राजकुमार आखा दे राजकुमार पुछो जरा उसी पहली बार आया मैं रोज होना मैं तू पहली बार आप ठीक कराना बड़ी सही जगह पीएचई के एक्शन साहब से मिले हैं क्योंकि वार्ड नंबर एक में जो पानी की समस्या को लेकर हमने उनसे बात की है क्योंकि पिछले 22 दिनों से कम वहां पे पानी की जो सप्लाई है पूरी तरह से ठप है और ना ही कोई डिपार्टमेंट का वहां पे जाके सुध लेने के लिए राजी है। हमारे कुछ लोग थोड़े दिन पहले भी आए थे लेकिन इन्होंने कोई गौर नहीं फरमाया। आज हम अपना डेपुटेशन इनसे लेके एक्शन साहब के नोटिस में ये बात ला रहे थे कि कितने दिन से वहां पे पानी की सप्लाई बंद है, आपके जो एम्प्लाइज है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इनके जो एम्प्लाइज है जब इनसे मिला गया इन्होंने कहा कि हमें जो है हमारे पास लेबर नहीं है, हमें जो लेबर है वो आप दोगे, जो लेबर के चार्जेस बनेंगे हम पब्लिक से लेंगे। मैं कह रहा हूं कि आजादी के बाद पहली बार हमने सुना कि किसी भी डिपार्टमेंट में जब काम करवाने पड़ेगा पब्लिक को तो उसके चार्जेस जो है पब्लिक अपनी जेब से देगी, जबकि पब्लिक बिल टाइम टू टाइम पे कर रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है बार्टर टैक्स, हम बार्टर पे टैक्स दे रहे हैं लेकिन उसकी जो उसके बदले में हमें सर्विस मिलनी चाहिए वो देने में ये लोग नाकाम है। कल को सरकार कहती है कि हमारे खिलाफ लोग बोलते हैं, क्यों ना बोले, अगर ये आपको टैक्स दिया जा रहा है तो आपसे सर्विस क्यों नहीं लेंगे, हम हमें क्यों ठगा जा रहा है टैक्स के नाम पे, लोगों को क्यों ठगा जा रहा है। यहाँ पे आज आपके जो वो डेली वेजर्स है वो स्ट्राइक पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमारी सैलरी नहीं दी जा रही, हम कह रहे हैं हमसे टैक्स लेके हमें पानी नहीं दिया जा रहा, तो ये सारा पैसा मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ जा रहा है कि फ्लेक्सिस बनाने में ही खर्च किया जा रहा है जो पब्लिक का पैसा है। ना तो डेली वेजर्स को सैलरी दी जा रही है, ना लोगों को सर्विस दी जा रही है, ये सारा पैसा जो ऊपर वाले ऑफिसर है अपनी ऐश परस्ती में लगे हुए हैं क्या। मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ डिपार्टमेंट को कि अगर दो दिन के अंदर अंदर वहाँ की सप्लाई ठीक नहीं की गई तो आने वाले दिनों में हम यहाँ पे रोड ब्लॉक करेंगे, उनके खिलाफ हमारा रोष होगा और उनके पुतले जलाए जाएंगे, क्योंकि जो पब्लिक का पैसा है उनकी फ्लैक्सियों पे नहीं खर्चने दिया जाएगा। और ये कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं, आप खुद ठीक करो, मेरे को बताओ टेक्नीशियन किसका है, टेक्निकल प्रॉब्लम किसने देखनी है कि कहां से बाल खराब है, हम लोग देखेंगे, इन्होंने किस लिए पोस्ट रखी हुई है टेक्नीशियन की। इसलिए मैं इनसे यही डिमांड करता हूं कि जल्द से जल्द वहां की समस्या को हल किया जाए, नहीं तो ये तो आज सिर्फ हम डेपुटेशन के रूप में आए हैं, अगर हमें प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया गया तो उसकी जिम्मेवारी सारी डिपार्टमेंट की होगी।